नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीपी न्यूज। डीपीपी न्यूज से मैं हूं आपके साथ आपका अपना साथी शिकुल कुमार। दोस्तों, जहां पूरे प्रदेश में फिल्म पठान का विरोध हो रहा है, वहीं फिल्म पठान को लेकर बिजनौर का माहौल भी गर्म नजर आ रहा है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की ओर से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए जानते हैं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने और क्या कुछ कहा। जी, क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल से जिला मंत्री बिजनौर से हूँ। अच्छा, आज का जो ये आपने प्रोग्राम किया है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, जो फिल्म पठान आई है मूवी, उसमें जो हमारा भगवा रंग का जो प्रयोग किया है, अपमान किया है, और उसके विरोध में हम लोगों ने ये उसका जो है पुतला दहन किया। इसमें आप सरकार से क्या चाहते हैं, क्या मांग है आपकी? हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बस यही अपील है कि इसमें से भगवा कलर हटा के, इस गाने में बेशरम गाना जो बनाया है ये, इसमें से भगवा कलर हटा के या तो उसके कपड़ों का ग्रीन कलर कर दें या उसको वाइट कर दें, फिलहाल उसमें से भगवा कलर निकाल दें, अन्यथा फिर आप क्या करेंगे? अन्यथा राष्ट्रीय बजरंग दल और जो है उसके साथ उचित कार्यवाही करेगा। आपको बता दें कि थाना शिवाला कला क्षेत्र के गांव इस्माइलपुर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि पठान फिल्म में भगवा रंग पहने हीरोइन और उस भगवा रंग को बेशर्म रंग कहा गया है। आदिकाल से ही भारत वर्ष में भगवा रंग को पूजनीय माना गया है, परंतु कहीं ना कहीं साजिश के तहत हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की टिप्पणी उस फिल्म में की गई है, जिसे राष्ट्रीय बजरंग दल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, जिसके लिए हमारे अयोध्या के संतों ने फिल्म कहीं ना चले इसके विरोध में हिंदुओं से आह्वान किया है, इसलिए राष्ट्रीय बजरंग दल इसका पूर्ण विरोध करता है और माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता है कि सेंसर बोर्ड को अंतिम चेतावनी दी जाए, जिससे भविष्य में इस प्रकार की गलती न हो, अन्यथा राष्ट्रीय बजरंग दल उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। संवाददाता सुभाष चौधरी की खास रिपोर्ट। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपने अभी तक डीपीपी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले डीपीपी न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करना भी न भूलें। नमस्कार।